ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। इंसान के चेहरे की मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है और खुद को प्रसन्न रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। अगर किसी कारण से आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही कम हो रही है तो आप उस वजह को ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जिन प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिलते हमें उन प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए। अगर हम उन प्रश्नों के पीछे भागते रहेंगे तो जीवन भर ऐसे ही हमें दुख और पीड़ा होती रहेगी। जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं मिलता है, जो भी मिलता है उसे ही अच्छा बनाना पड़ता है। अगर आप आत्मविश्वास लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप जीवन में कभी हार नहीं सकते, लेकिन अगर आप शंका लिए मन में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप जीवन में कभी जीत नहीं पाएंगे। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। जब तक आप खुद की कदर नहीं करेंगे तब तक कोई और भी आपकी कदर नहीं करेगा। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप खुद की अहमियत को समझें, अपनी कदर करें, तभी ये लोग, ये दुनिया आपकी कदर करेगी, आपकी अहमियत को समझेगी। जब आप खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाएंगे तो आप ईश्वर पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? जिस इंसान को खुद पर विश्वास होता है तो वो जीवन में ज़रूर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो किसी की परवाह नहीं करता कि कोई उसके बारे में क्या कहता है, क्योंकि उसे खुद पर विश्वास होता है। और जो इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वो ज़िंदगी में सब कुछ ज़रूर हासिल कर लेता है। लेकिन अगर लोग आपके प्रति गलत राय रखते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं, तो आप अपने मन में शंका पैदा कर लेते हैं। आप उसके बारे में सोच विचार करते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों मुझे ऐसा कहा जाता है, तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मार्ग भटकाने वाले विकल्प हमारे रास्ते में ज़रूर आते हैं, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आपको निडर होकर आगे बढ़ना है या इन विकल्पों से डर कर खुद का रास्ता ही बदल लेना है। जब भगवान हमें बहुत कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तब वो हमें भीड़ से अलग कर देते हैं, बुरे लोगों से दूर कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब मेरे बच्चे का अच्छा समय शुरू हो चुका है और अब उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। जब भगवान आपको बहुत कुछ देने वाले होते हैं तभी वो आपको अकेला करते हैं, क्योंकि अकेला इंसान ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। अगर आप लोगों की भीड़ को लेकर साथ चलोगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि लोग जो बातें करेंगे वो आपका मनोबल गिराने वाली होंगी। इसलिए ज़्यादातर लोगों की बातों को अनदेखा करें, अनसुना करें, खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप खुद को जान सकते हैं, आप खुद को समझ सकते हैं, और जितना साथ आप खुद का दे सकते हैं उतना कोई दूसरा आपका साथ नहीं दे सकता। इसलिए लोग कितने ही अच्छे क्यों ना हों, एक ना एक दिन वो आपका साथ ज़रूर छोड़ देंगे, लेकिन आप खुद का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए अगर विश्वास करना है तो खुद पर कीजिए, उम्मीद करनी है तो उस ईश्वर से कीजिए, क्योंकि वो कभी आपकी उम्मीद और विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। अगर आप यही विश्वास लोगों पर करते हो, यही उम्मीद दूसरों से करते हो, तो आपको हमेशा दुख उठाना होगा, क्योंकि हद से ज़्यादा किया हुआ विश्वास, हद से ज़्यादा की हुई उम्मीद अक्सर टूट जाती है। लेकिन यही विश्वास अगर आप खुद पर करोगे तो वो आपकी ताकत बन जाएगा और हमेशा आपके साथ रहेगा। आज जो बुरा समय है आपको कुछ पल का दर्द ज़रूर होगा, लेकिन उसके बाद जीवन भर का सुख होगा। इसलिए खुद पर विश्वास कर आगे बढ़ते रहिए, आप अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हो, पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जितना सफ़र आप तय कर चुके हो उससे आधा सफ़र भी बाकी नहीं है आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। आप उड़ान भर कर देखिए, लोग आपको गिराने के लिए बहुत से आ जाएंगे, लेकिन अगर आप एक बार गिर जाते हैं तो आपको उठाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। इसलिए आपको खुद उठना होगा, खुद फिर से खड़ा होना होगा और खुद चलना होगा।
क्योंकि लोग आपको गिरा तो सकते हैं लेकिन सहारा कोई नहीं दे सकता। आपको अपना सहारा खुद बनना होगा और उस ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। अगर प्रेम करना ही है तो उस ईश्वर से करो, क्योंकि उनसे सच्चा साथी कोई दूसरा हमारा नहीं हो सकता। वो हमेशा हमारा साथ निभाएंगे, वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। ये दुनिया और लोग, एक समय होता है जब हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर हमेशा हमारा साथ देते हैं। जब ईश्वर आपके साथ है तो आपको किसी और के साथ की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत जल्द वक्त भी बदल जाएगा और आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। अपने बाबा पर यूं ही विश्वास बनाए रखना। जितनी कठिन परीक्षा होगी उतनी शानदार सफलता भी होगी। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।